कोविड 19 के खतरे के खिलाफ भारतीय वैज्ञानिक समुदाय की त्वरित प्रतिक्रिया 2019 में चीन के वुहान से दुनिया के हर कोने में फैलने वाली इस वायरल बीमारी से लड़ने में ऐतिहासिक दृष्टि से अभूतपूर्व रही है। लेकिन इसमें काफी चुनौतियां भी रही हैं। भारत और दुनिया भर में लोगों की जिंदगी को हुए नुकसान को देखते हुए ऐसे प्रयास सराहनीय हैं। वास्तव में अप्रैल 2021 में हमारे देश में दूसरी कोविड लहर आने के बाद सरकार और निजी क्षेत्र ने इस बीमारी से लड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की आबादी 130 करोड़ से अधिक है और पिछले चार महीनों में हमने अपने 20 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन भारत की आबादी को देखते हुए भारत सरकार ने 2021 के अंत तक देश की अधिकांश आबादी को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ टीकाकरण की दर को बढ़ाने का संकल्प लिया है। विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में हम कोविड 19 के नए स्वीकृत हुए टीकों पर एक नजर डालेंगे, जिसमें रूसी स्पुतनिक वैक्सीन और अपने तीसरे फेज के परीक्षण के करीब पहुंची कोविड 19 की स्वदेशी वैक्सीन ज़ायकोविड है। इसका उत्पादन जून 2021 में होने की संभावना है। हम इन टीकों की मूलभूत जानकारी लेंगे और देखेंगे कि ये कोवैक्सिन और कोविशील्ड से किस तरह अलग है। हम आपको भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा हाल ही में अनुमोदित की गई दो आपातकालीन दवाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, जिनमें DRDO की एंटी कोविड ओरल ड्रग 2DG और जाइडस कैडिला की विराफिन दवा शामिल है।